नमस्कार, जोहार। ढोल मांदर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा यह झारखंड राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कलकल करती नदियाँ, छल छल करते झरने, वन पर्वत और दूर तक फैली हुई सुरम्य घाटियाँ, और इन्हीं वनों पर्वतों के बीच निवास करने वाले जनजातीय समुदाय, और इन जनजातीय समुदाय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है शिकारी लोक नृत्य। आपको बताना चाहूँगी कि बैसाख पूर्णिमा तिथि को जनजातीय समुदाय के लोग विशेष रूप से मनाते हैं और शिकारी नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़े के साथ सज धज कर अपने पारंपरिक वेशभूषा से लैस होकर और शिकार खेलने वन की ओर जाते हैं, और महिलाएं उनका पांव पखार कर भेजती हैं शिकार खेलने के लिए, और अपने वन देवता की पूजा भी करते हैं। आज का यह शिकारी नृत्य आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं घाशीराम महतो और उनके साथी कलाकार। तो चलिए, मैं आपको लिए चलती हूँ झारखंड के दूर दराज के उस गांव में जहाँ की लोग शिकारी नृत्य की तैयारी कर रहे हैं। अपने पारंपरिक वेशभूषा से सज धज कर, अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र से सज कर सभी लोग शिकारी नृत्य कर रहे हैं और अपने वन देवता की पूजा कर रहे हैं, इसलिए कि शिकार खेलते समय उन्हें कोई परेशानी ना हो और उन्हें अच्छा शिकार मिले। आइए देखते हैं इस नृत्य को। Thank you.
आज वैसाख पूर्णिमा की तिथि है। गांव के सभी लोग अपने पारंपरिक वस्त्रों से सुसज्जित होकर, रंग बिरंगे कपड़ों से सुसज्जित होकर और अपने पारंपरिक आभूषणों से सजकर और साथ ही साथ ढोल नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्रों से लैस होकर चले हैं शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेल रहे हैं, जोर जोर का नगाड़ा बजाया जा रहा है, जिससे कि गांव के जो जंगली पशु हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं और गांव के लोग शिकार कर रहे हैं। आइए देखें इसी नृत्य को। Thank you.
गांव के लोग शिकार से लौट रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा शिकार मिला है, जिससे कि गांव के लोग बहुत खुश हैं। ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा है, सब लोग खुशी खुशी गांव वालों का इंतजार कर रहे हैं। जिन शिकारियों ने शिकार खेला है, उनका बहुत ही स्वागत किया जा रहा है। और फिर संध्या वेला अखरा में सबका स्वागत, आदर, सत्कार और सम्मान किया जाएगा, और खुशी खुशी सभी लोग भोजन भी करेंगे। Thank you.
ढोल मांदर की आज की स्टडी में आपने देखा शिकारी लोक नृत्य। आशा करती हूँ आप सभी को आज का यह लोक नृत्य बहुत ही पसंद आया होगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त पूनम सिंह चौहान को। अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार, जोहार।